चुनाव जो है विकास और विश्वास का है। विश्वास तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है लगातार, आपकी इमेज को टार्निश करने की जो कोशिश की जा रही है बार बार, ये दिखाने की कोशिश होती है कि भाई मोदी जी पर कैसे तैसे करके भ्रष्टाचार चस्पा कर दो, या फिर ये चस्पा कर दो कि ये शख्स जो है वो संस्थाओं के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो ये जो कोशिश है, आपको लगता है कि पूरा विपक्ष, क्योंकि वो एक ही बात कर रहा है, उसमें कहीं कामयाब होता हुआ आपको नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी का 45 साल का सार्वजनिक जीवन करीब करीब, वो एक तपस्या से गुजरा हुआ है। किसी अखबार वाले ने या टीवी वाले ने मोदी के पक्ष में कोई बड़ी बड़ी बातें लिख करके, टीवी पर बड़े बड़े शो करके मोदी को नहीं बनाया है। जो अखबार के पन्नों पर पैदा होते हैं उनकी उम्र भी अखबार जितनी होती है, जो टीवी की स्क्रीन पर जन्म लेते हैं उसकी मर्यादा उस टीवी शो तक होती है, जो तपस्या करके निकलता होता है उसकी जिंदगी जन्मों जन्म रहती है। और इसलिए लाख कोशिश कर ले, अगर मुझे मीडिया ने बनाया होता तो मीडिया के द्वारा बर्बाद भी हो जाता। आज वो मीडिया के कंधे पर बंदूकें रख करके इतनी गोलियां चला रहे हैं, मेरी जिंदगी छलनी हो जानी चाहिए थी, नहीं हो रही है। और उसका मूल कारण कि ये किसी की कृपा से नहीं, 125 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद के परिणाम मोदी हैं। 550 लुटियन लोगों के कारण मोदी नहीं है, 550 मीडिया वालों के कारण मोदी नहीं है, मोदी तो झेलता हुआ आया है। और इसलिए ये क्या कर रहे हैं इस पर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में 130 करोड़ देशवासी होते हैं, उनके सपने होते हैं, उसको पूरा करने का मेरा प्रयास होता है और वही करता रहता हूँ।